आहार उपखंड मुख्यालय पर एक दिव्यांग ने टोल नाके पर दुर्व्यवहार को लेकर उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। दिव्यांग झालाराम देवासी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से दिव्यांगों के वाहनों को टोल मुक्त रखा गया है, लेकिन उसके बाद भी दिव्यांगों से टोल वसूली की जा रही है। पीड़ित ने दिव्यांगों से टोल नहीं लेने और टोल कर्मचारियों को पाबंद करने को लेकर ज्ञापन सौंपा। हाईवे का टोल है, वहाँ पर विकलांगों के से टोल वसूली की जा रही है। वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि विकलांगों के जितने भी वाहन हैं, जो मॉडिफाई किए हुए वाहन हैं, उनको निःशुल्क छोड़ा जाए, और सेंटर के जितने भी टोल है वहाँ पर फ्री है। स्टेट का जो टोल है, जो अहोर और जोधपुर के बीच में है, जो निबला टोल है, वहाँ पर हमने निवेदन किया कि भैया विकलांगों की गाड़ी और ये गाड़ी का टोल नहीं लगता और आप ले रहे हो, तो वो गाली के लो जो हाथापे पे आने लगे। मेरे पास में वो वीडियो पूरी रिकॉर्ड है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस तरह से जो सरकार विकलांगों के साथ में, दिव्यांगों के साथ में अन्याय कर रही है। दिव्यांगों के टोल पूरे राजस्थान में, जिस भारत सरकार की पॉलिसी के अकॉर्डिंग राजस्थान सरकार भी टोल मुक्त करे।